हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले मुझे इस बारे में सूचना मिली एंड मैं कहीं बाहर हूँ तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुद्दा इतना जरूरी था कि मुझे लगा इस चीज़ के लिए तो बात करना बेहद ज़रूरी है। आप बच्चों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। आज साथ में मेरी इस वीडियो में आपको मेरे साथ साथ कुछ डिस्टर्बेंसेज, कुछ नॉइजेज सुनाई देंगी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट पार्ट बिकॉज मैं पुणे से बहुत दूर कहीं फॉरेस्ट टाइप एरिया में हूँ। और तो सूचना जो है, खबर जो है इस प्रकार है कि कोलकाता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर सुरोजित दत्ता और उनके एक असिस्टेंट हैं मिस्टर पवित्र, जैसा कि उस न्यूज़पेपर में लिखा है। तो उन दोनों ने मिलकर कुछ कांड किया। भाई कांड कुछ इस प्रकार से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरोजित दत्ता ने आईसीआई से आंसर शीट ली थी चेक करने के लिए और उन्होंने आगे मिस्टर पवित्र को दे दी, जो कि पवित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, ही इज जस्ट एन अकाउंटेंट। और जैसा कि उस न्यूज़पेपर में लिखा है कि पवित्र जो एक ग्रेजुएट है, मतलब एम कॉम है वो, और वो सीए की ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। चलो उस बारे में तो हमें बात नहीं करनी। और वो जो है सीए स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं और उन्होंने अपना, जब पुलिस इंक्वायरी हुई तो उन्होंने ऐसा बताया कि मिस्टर दत्ता ने उनको एक कॉपीज दी थी। तो भाई इस खबर को सुनकर जो है मेरे तो होश उड़ गए और पहली बार में तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि एक नीरज अरोड़ा सर ने भी इसके ऊपर वीडियो डाला है और काफी जगह इसके बारे में लिखा जा रहा है। तो मुझे ऑथेंटिसिटी इसकी लगी कि खबर तो बिल्कुल भाई पक्की है और इस चीज के लिए बच्चों से बात करना बेहद जरूरी है। बिकॉज एवरी टाइम वी कम ऑन यूट्यूब, एवरी टाइम इन आवर क्लासेस, वी जस्ट कीप सेइंग टू द स्टूडेंट्स कि यस, आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है और आप इस मुश्किल एग्जाम में, जिसको बहुत मुश्किल एग्जाम माना जाता है भारत भर में, कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई न्यूज हमारे सामने आती है तो भाई खून खोल उठते हैं सीरियसली मेरा भी, कि जहां पर डिजर्विंग स्टूडेंट जो है पास नहीं हो पा रहे हैं इस चीज के कारण, इस गलत चीज के कारण। आईसीएआई ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। पिछले साल इतना बड़ा मुद्दा बना था, इतने सारे स्टूडेंट टीचर एक साथ आए थे, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे कि भाई आईसीएआई को ये जो गलत चीजें, इनको रोकना होगा। और आईसीएआई ने भी इवन जो है रेसिप्रोकेट किया था, उन्होंने कमेटी बनाई थी, साथ में कहा था कि हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ने खुद एड्रेस किया था कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे और हम सबको लगा कि जो उस टाइम की मेन डिमांड थी कि सेंट्रलाइज चेकिंग होनी चाहिए, द टीचर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द आंसर शीट टू देयर ऑफिसेज और होम्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पर्टिकुलर सेंटर, में लगा था कि वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। कुछ महीने भी थे, हम सबको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली फिर एक ऐसी न्यूज आती है जो कि पूरा तहस नहस कर जाती है हमारी उम्मीदों को। अगर मेरा वीडियो किसी भी तरह से आईसीए के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या बोर्ड ऑफ स्टडी के किसी भी मेंबर तक पहुंचे तो हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आपसे करें, इवन रिक्वेस्ट वर्ड शुड नॉट बी यूज, रिक्वेस्ट बहुत हो चुका, अब आप लोगों को स्टेप्स लेने होंगे। बिकॉज आप अपने आप को सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड कहते हो, हम खुद को प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, 10 साल हो गए हैं यार, फेलो मेंबर हैं हम भी, और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं भारत में, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि आईसीए के ऊपर बिलीव करके अपना इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं सोचकर कि हाँ एग्जाम आएगा, हम एग्जाम के अंदर बैठेंगे 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे जिसके बेस पर हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, उस 3 घंटे की बेस्ट परफॉर्मेंस और अपने हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के बेस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी और चीज के कारण हमारा जो रिजल्ट शायद अच्छा हो सकता था वो क्रॉस हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू पास, या फिर अगर पास भी हो गए जितने मार्क्स ले सकते थे शायद उतने नहीं आ रहे। तो आईसीएआई को मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब बहुत देर हो गई है, अब इससे ज्यादा देर ना करें आप। कहां एक तरफ हम मेक इन इंडिया, इंडिया को आगे लेकर जाने की बात करते हैं और यहां हमारी अकाउंटिंग बॉडी जो है आईसीआई इस तरह की चीजें होने दे रही है, होने दे रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईसीआई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही। अगर मेरे पास पावर होती यार, मैं तो आज की डेट में ही इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता कि जिन्होंने ये गलत काम, घिनौना काम किया है उनके अगेंस्ट बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक पनिशमेंट लॉन्च की जानी चाहिए, उनका सीओपी रद्द करिए, कुछ भी करिए, सीए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर जो आपका होता है सीए का, उसमें से नाम उनका डिलीट करिए, कुछ भी करिए, कुछ ऐसा करिए कि कोई भी पर्सन इसके बाद जो है ऐसा गलत काम करने की कोशिश ना करे। हम स्टूडेंट को कहते हैं यार हर एक अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है और स्टूडेंट्स इस बात को समझते हुए अपना सब कुछ देते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन यहां पर हमारा गोल्डन अटेम्प्ट ऐसे लोगों की वजह से खराब हो रहा है जो कि सीए कम्युनिटी के नाम पर धब्बा है। मैं तो साफ बोलता हूं, हर कोई ऐसा इंसान जो गलत काम कर रहा है वो धब्बा है हमारे सीए कम्युनिटी के नाम पर। अपने हर वीडियो में हर बच्चे को यही बताता हूं यार कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आप वैल्यूज, एथिक्स, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज स्टैंड बाय माय वैल्यूज। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, अगर आप इस चीज की तह पर जाए, ये हुआ क्यों है, इट इज ऑल रूटेड इन दिस थिंग, वैल्यूज, एथिक्स वर्सेस मनी। हो क्या रहा है कि मिस्टर दत्ता ने इंस्टीट्यूट से आंसर शीट ली चेक करने के लिए, क्योंकि हर आंसर शीट के पैसे मिलते हैं, लेकिन खुद के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को दे दिया कि भाई पेपर तुम चेक कर दो और पैसे मिल जाएंगे मुझे। मतलब बिना मेहनत के आप पैसे ले रहे हैं, जबकि बेटर ये होता है कि अगर आईसीए आपको चेक करने के लिए आंसर शीट दे रहा है और आपके पास समय नहीं है तो आप साफ साफ कह देते कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपने काम में पहले एंगेज हूं, मैं कॉपीज चेक नहीं कर सकता। लेकिन आपने कॉपीज ली क्यों, पैसे के लिए, और कितने पैसे, कितने करोड़ों छाप लोगे और उससे कितने कमा लोगे। बच्चों के भविष्य के साथ खेलकर कोई भी जब पैसे कमाता है वो नहीं सही है, इस बात को समझिए। एंड सबसे पहले हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन आल्सो जिसने इस चीज को रिपोर्ट किया है, मतलब
बहुत ज्यादा थैंकफुल है उस पर्सन की, बिकॉज ऐसे इश्यूज आए दिन मतलब सुनने में आते रहते। कभी आते हैं कि मेट्रो में पेपर चेक हो रहा है, कभी आता है कि किसी बस में आईसीए के पेपर की चेकिंग हो रही है, और कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोग डरते हैं, हमें पता भी होता है, हम रिपोर्ट नहीं करते कि यार पता नहीं मेरे एग्जाम में कैसा होगा, मैं शिकायत करूंगा तो पता नहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए। लेकिन हम सबको ये समझना है कि अगर हमें कभी भी कोई ऐसी न्यूज मिलती है तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वी हैव टू रेज द इशू। आप एटलीस्ट अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको वैसे डर लग रहा है, आप नियरेस्ट जो भी आपके आईसीए अथॉरिटीज में आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कदम उठाने होंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि आईसीए जो है अब की बार जो है बिल्कुल सीरियसनेस से इस मामले को जो है टैकल करेगा। हालांकि उस न्यूज़पेपर में लिखा है कि आईसीए ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की, मुझे उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस में कंप्लेंट करनी है नहीं करनी, अपना मैटर है, आईसीए खुद भी जो है सक्षम है इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो हम यही सब जो दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि आईसीए जरूर इसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा। और बेटा आप सबसे यही कहूंगा कि बस स्टे ब्लेस्ड और टेक केयर, और जो है अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहें, और दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। थैंक यू गाइज।